नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील पांडे, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। नव हाल ही में क्या हुआ है कि अजरबैजान की मीडिया इंडिया के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि इंडिया ईरान के जरिए हथियार पहुंचा रहा है आर्मेनिया में, और ये इल्लीगल तरीके से पहुंचा रहा है, ना कि पब्लिकली भेजवा रहा है। और वो लोग वीडियो पूरी दिखा रहे हैं कि प्रॉपर हमारे पास वीडियो है किस तरह से इंडियन वेपन्स जो है वो आर्मेनिया में आ रहे हैं और वो हमारे अगेंस्ट यूज होंगे, ऐसा अजरबैजान कह रहा है। वैसे अजरबैजान को इंडिया से इतनी ज़्यादा उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, बट फिर भी वो रख रहा है, पता नहीं क्यों रख रहा है, जबकि वो पाकिस्तान का बार बार सपोर्ट भी करता है। मैं आपको चार पांच चीज़ें बता दे रहा हूँ जो ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। पहली बात तो ये कि इंडिया ने पिनाका मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी 2022 में बेचा था आर्मेनिया को सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि आर्मेनिया क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन क्रिश्चियन वर्ल्ड उसका सपोर्ट नहीं करता है सिर्फ रसिया को छोड़कर। पूरे यूरोपियन कंट्रीज उसका सपोर्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि उसके पास कोई खनिज नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं है यूरोपियन कंट्रीज को, का सिर्फ और सिर्फ पैसा उसमें खप जाएगा, बाकी उनको कोई बेनिफिट आने वाला नहीं है, इस वजह से वो लोग सपोर्ट नहीं करते। यूक्रेन जैसा बिल्कुल मुद्दा नहीं है, यूक्रेन के पास नेचुरल चीज़ें बहुत थी, गैस वगैरह था, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा वहाँ पे अनाज वगैरह पैदा होता है और फर्टिलाइजर, तो इस वजह से यूरोपियन कंट्री ने सपोर्ट कर दिया यूक्रेन का, लेकिन आर्मेनिया के पास ऐसा कुछ नहीं। आर्मेनिया की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत कम है, इस वजह से वर्कफोर्स भी नहीं है वहाँ पे। अजरबैजान के पास में नेचुरल गैस वगैरह है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा अन्य खनिज भी है, और इसके साथ ही साथ में अजरबैजान मिलिट्रीली स्ट्रॉन्ग भी है। इसका सपोर्ट टर्की बहुत ही जोर शोर से करता है, इसके साथ ही साथ में पाकिस्तान भी करता है, और यूरोपियन कंट्रीज भी इसी का सपोर्ट करती हैं, लेकिन रसिया इसका सपोर्ट नहीं करता है। दूसरी बात क्या है, ईरान के जरिए अगर ये वेपन जा रहा है तो ईरान जाने क्यों दे रहा है? देखो, ईरान और टर्की का एकदम से बिल्कुल नहीं जमता है, और ना ही तो उसका अजरबैजान से बिल्कुल भी जमता है। उसके पीछे मेन रीजन क्या है कि अजरबैजान जो है इस एरिया में, जो दूसरी वाली साइड है ना अजरबैजान ने जो कब्जा कर रखा है आर्मेनिया का, अगर यहाँ से वहाँ तक डायरेक्ट ये कब्जा कर लेगा, जो बीच का ये हिस्सा बसता है, अगर इसको भी ये कब्जा कर ले जाता है तो क्या होगा? इससे होगा ये कि ईरान का सीधा रूट ब्लॉक हो जाएगा यूरोप जाने का, क्योंकि एक साइड में तो टर्की बैठा है, वो तो जाने नहीं देगा, इधर अजरबैजान सामने आ जाएगा, तो ये जाएंगे कैसे? अदरवाइज जॉर्जिया जा सकते थे ये, या सीधे रसिया में जा सकते थे, लेकिन नहीं जा पाएंगे अगर ऐसा हो गया। तो इसी वजह से वहाँ पे ईरान को मजबूरी है कि वो सपोर्ट करे। वैसे मैंने देखा बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े थे, लेकिन किसी ने इस मुद्दे को उठाया ही नहीं। मेन रीजन सिर्फ ये नहीं है कि इजराइल सपोर्ट करता है टर्की का और अजरबैजान का वॉर में अगेंस्ट आर्मेनिया के, इस वजह से ईरान भड़क रहा है, बल्कि उसके पीछे रीजन ये भी है कि उसका रास्ता भी तो बंद हो रहा है। अगर मान लो इजराइल का मुद्दा ना होता तो भी ईरान को मजबूरी में सपोर्ट करना पड़ता आर्मेनिया का, क्योंकि कि अगर ईरान सपोर्ट नहीं करेगा और कल को ये पूरा रूट ब्लॉक हो गया तो ईरान की एंट्री बंद हो जाएगी, यूरोप में जा ही नहीं पाएगा, और यूरोप से तो उसको ज़्यादा मतलब है नहीं, ज़्यादा मतलब उसको रूस से है, और रूस में उसकी एंट्री बंद हो जाएगी, ब्लॉक कर देगा अजरबैजान। इसी वजह से तो यहाँ पे ये आके मार कर लेता है, कहता है कि भी ऐसे आप कैसे कब्जा कर सकते हो, अगर कमजोर कंट्री है तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो, क्योंकि अजरबैजान एक मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री है जबकि आर्मेनिया क्रिश्चियन कंट्री है। उसके बावजूद कट्टर इस्लामिक कंट्री होते हुए ईरान सपोर्ट कर रहा है आर्मेनिया का, क्योंकि उसको पता है रसिया से जो हमारा संबंध है, जो डायरेक्ट रूट हमारा वहाँ तक जाता है, हमें कोई रोकता नहीं बीच में, सीधा हम आर्मेनिया होकर निकल जाते हैं, वो ये अजरबैजान और टर्की मिलकर जाने नहीं देंगे। और तीसरी बात क्या है कि रसिया सपोर्ट करता है आर्मेनिया को, इंडिया भी सपोर्ट करता है आर्मेनिया को, लेकिन इजराइल आर्मेनिया को सपोर्ट नहीं करता, अजरबैजान को सपोर्ट करता है। ये दुनिया का एक अनोखा कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें इंडिया एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, इजराइल एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, और जिस पार्टी को इजराइल सपोर्ट कर रहा है उसी पार्टी को पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है, उसी पार्टी को टर्की भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जिस पार्टी को इंडिया सपोर्ट कर रहा है उसको ईरान सपोर्ट कर रहा है और रसिया सपोर्ट कर रहा है। जबकि ये कॉमन लगता है, इसमें कोई अजीब बात नहीं लगती है, लेकिन जिस पार्टी को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है सेम टाइम पे, उसी टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज भी सपोर्ट कर रही हैं, और इंक्लूडिंग इजराइल भी सपोर्ट कर रही है जो एक मिडिल ईस्ट की कंट्री है, और बहुत ज़्यादा आपस में दुश्मनी है पाकिस्तान और इजराइल की लेकर, लेकिन फिर भी एक ही कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया और इजराइल की बहुत ज़्यादा दोस्ती है, लेकिन इजराइल दूसरी कंट्री को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया दूसरी कंट्री को सपोर्ट कर रहा है, ड्रोन वगैरह इजराइल दे देता है इनको अजरबैजान वालों को, इस वजह से अजरबैजान बार बार इजराइल इजराइल करता रहता है। और दूसरी बात क्या है, आर्मेनिया इंडिया के पास आता है तो इंडिया इनको पिनाका मिसाइल सिस्टम दे देता है, तो आपस में इनके ही वेपन्स लड़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि इंडिया इजराइल दोनों बहुत ही मित्र देश हैं, लेकिन दोनों अलग अलग पार्टी में बैठे हैं। और चौथी बात क्या है कि जो ये वीडियो है इसकी कोई प्रामाणिकता है नहीं, अगर मान लो ये सत्य भी है तो इसमें गलत क्या है? कोई सेल्फ डिफेंस के लिए क्या वेपन भी नहीं खरीद सकता है? ये लोग कोई वर्ल्ड पुलिस आ रहे हैं लग रहे हैं जो कह देंगे कि जी आप वेपन क्यों बेच रहे हो, इंडिया को बताएंगे आके कि आप क्या कर रहे हो? ईरान के पास इतनी पावर है कि रातों रात खा जाएगा अजरबैजान को, बट वो अपने आप में शांति दिखा रहा है, कह रहा है कोई बात नहीं भाई बंधु हैं। ये क्या है, ईरान बहुत ज़्यादा इस्लामिक चीज़ों को मानता है, OIC का जो सदस्य है ईरान और साथ में अजरबैजान भी है, इस वजह से थोड़ा सा इज्जत करता है OIC के नाते, इनको कुछ बोलता नहीं है, नहीं तो 24-48 घंटे में पूरे अजरबैजान को उड़ा सकता है ईरान, इतना पावरफुल है।
और कोई बचा नहीं पाएगा फिर, क्योंकि रसिया भी सपोर्ट में आ जाएगा। फिर भी ईरान थोड़ा काम है इस मामले में और अभी भी शांति की गुहार कर रहा है, कह रहा है कि देखो कोई भी वेपन जा रहा है तो जाने दो, क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस के लिए जा रहे हैं। कोई भी कंट्री सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन्स खरीद सकती है, ये यूएन चार्टर का भी उल्लंघन नहीं है। बाकी पिनाका मिसाइल सिस्टम का जो डील हुआ था वो $225 मिलियन का था और इन द फ्यूचर इंडिया और भी बहुत सारे फाइटर जेट वगैरह भी बेच सकती है, इवन दो कि अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो वैसे अफोर्ड तो नहीं कर पाएगा। देखो आर्मेनिया बहुत ज़्यादा रिच कंट्री नहीं है, अगर अफोर्ड कर ले जाए तो एक बार इंडिया ब्रह्मोस भी बेच देगी, क्योंकि ब्रह्मोस जब इंडिया बेचेगी तो ओबियसली रसिया भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि रसिया भी आर्मेनिया का ही सपोर्ट करता है। और इंडिया चाहे ना भी दे ब्रह्मोस, जरूरत पड़ी तो रसिया कोई ना कोई मिसाइल सिस्टम दे देगा। कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि जब भी अजरबैजान को डर लगता है कि इंडिया और रसिया मिलिट्रीली सपोर्ट कर देंगे और ईरान भी आ जाएगा, तो फिर अजरबैजान चिल्लाने लगता है और पाकिस्तान जो है अजरबैजान की आवाज़ को इको देता है और आइडियो सिटी प्रोवाइड करवाता है उसको टर्की, और जाके यूनाइटेड नेशन में रोना रोते हैं क्रिश्चियन वर्ल्ड, क्योंकि अजरबैजान का सपोर्ट करता है। बट एक बात क्लियर है, इंडिया को अपना इंटरेस्ट भी देखना है, इस वजह से आर्मेनिया को सपोर्ट करेगा। क्यों सपोर्ट करेगा? क्योंकि अजरबैजान जो है कश्मीर के मुद्दे पे बहुत ही संकीर्ण मानसिकता के साथ में पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है, आर्मेनिया जो है इंडिया का सपोर्ट कर देता है, तो इसलिए इंडिया को अपना हित देखना होगा। वैसे इसराइल कश्मीर के मुद्दे पे इंडिया का फुल सपोर्ट करता है, ऐसी कोई और इंडिया ने नहीं लड़ी जिसमें इसराइल ने सपोर्ट ना किया हो इंडिया का वेपन से, लेकिन प्रेजेंट टाइम में दोनों दो खेमे में खड़े हैं।